छठी कक्षा में पढ़ने वाला मासूम सा युवक कंधे पर बैग उठाए अपने बड़े भाई के साथ कोठो स्कूल में पढ़ने निकला था। रास्ते में बड़े भाई को छोड़ स्कूल से कुछ पहले मृतक छात्र पटाखे चलाने के लिए रुक गया, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई पैसे की हवस का भेड़िया अपने शिकार की घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। इस हत्यारे ने बड़ी चालाकी के साथ बच्चे के साथ पटाखे चलाने के बहाने पहले दोस्ती की और उसे अपने जाल में फंसाया, फिर उसे कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ स्कूल की ओर ऐसे चलने लगा जैसे कोई बचपन का दोस्त हो। लेकिन मृतक छात्र को क्या पता था कि उसके कंधे पर दोस्ती का हाथ रखकर चलने वाला दरिंदा अपने दिमाग में उसकी मौत की इबारत लिख रहा है। वह कुछ दूर तक उसके साथ गया और फिर वह दोनों गायब हो गए। उसके बाद इस हत्यारे ने युवक के पिता को संपर्क साधा और 11 बजे के आसपास उसने 50,000 रुपए की मांग की और अपना फोन बंद कर दिया। फिर किसी दूसरे फोन से 1 बजे फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और अंतिम फिरौती में 20 लाख रुपए की मांग की और इतने में पुलिस उसे ट्रेस कर चुकी थी और ये खूनी दरिंदा चिल्ड्रन पार्क में झूला झूलते हुए फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने इसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धर दबोचा और उसकी जांच की तो बच्चे का आई कार्ड हत्यारे के पास से बरामद हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार शर्मा ने खुलासा किया है कि जब पकड़े गए इस युवक से शक्ति से पूछा गया तो वह पुलिस को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, लेकिन अधिक दबाव डालने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वह पुलिस को उस स्थल पर ले गया जहां उसने छात्र को गला दबाने के बाद शव को छिपा दिया था। पुलिस ने देखा कि छात्र के गले पर निशान थे और उसे मारने के बाद नाले में झाड़ियों और पत्तियों से छुपा दिया था। उन्होंने बताया कि हत्यारा शिमला का रहने वाला है और मोबाइल की दुकान पर काम करता है। आज सुबह हमें थाने पे सूचना मिली थी लगभग 11:30 बजे कि एक व्यक्ति जिनका नाम भगत राम है और यहाँ सामती में एक हार्डवेयर की शॉप पे वो सेल्समैन का काम करते हैं, उनके बेटे की किडनैपिंग को लेके रैनसम के लिए कोई व्यक्ति उनको फोन कर रहा है। उनका बेटा जो है वो 6th क्लास में पढ़ता था कोठों स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठों में, और मॉर्निंग में वो स्कूल गया था और वो स्कूल नहीं पहुंचा है। और वो जो रैनसम कॉल करने वाला है उसने 3-4 बार कॉल किया उसके फादर को कि जिसमें उसने मनी की डिमांड की और बोला कि उसका बच्चा जो है वो उसके पास है और अगर बेटा वापस चाहिए तो आप जो है इतना पैसा लेके आइए। तो ये डिफरेंट अमाउंट्स मांगे, कभी इसने 50,000 रुपये मांगा, 40 लाख रुपए मांगा, 20 लाख रुपए मांगा। इस पे जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत हमने इसमें 363 और 364A आईपीसी के तहत केस दर्ज किया और इसमें डिफरेंट टीम्स बना के उस पे काम करना शुरू किया एसपी सर की लीडरशिप में। और इसमें जो भी इस रास्ते में सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगे थे उनको खंगाला गया और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया गया। तो इसी आधार पे, इन सारे तथ्यों के आधार पे एक नेपाली व्यक्ति जिसका नाम विपिन है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी इंस्टांस पे उस नेपाली ने पूछताछ में, जब उसकी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने जो बच्चा है उसको वो साथ ले गया था और उसको कोठों स्कूल के साथ लगते ही जंगल में उसने उसको मार के उसकी बॉडी जो है एक नाले में रखी है। उसके इंस्टांस पे जो है बच्चे की बॉडी रिकवर कर ली गई है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और आगे केस में अकॉर्डिंगली सेक्शन जो है वो मॉडिफाई की जा रही है, 302 उसमें ऐड की जाएगी और ये जो व्यक्ति है नेपाली मूल का इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मृतक छात्र का पिता साधारण परिवार से है और वह हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है जिसके 2 बेटे हैं जिनमें से एक को दरिंदे ने हमेशा के लिए सुला दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां ये हादसा हुआ है वहां हमेशा शराबी और नशेड़ी घूमते रहते हैं, जिस बारे में पुलिस को भी कई बार आगाह किया जा चुका है, जिन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिल दहला देने वाली घटना से आसपास के क्षेत्रवासियों में दहशत है और वह अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजे ये डर उन्हें सताने लगा है, क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए वहां प्राइवेट और सरकारी बस नहीं रुकती, जिस वजह से बच्चों को अक्सर अजनबियों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचना पड़ता है।